Hello, welcome back. I am B. Kumar from Online English Schooling Platform. In this video lecture, we are going to tell you how to improve on tense. इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए. और एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए ऑडियंस हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपके मोबाइल पर पहुँचे, राइट. तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हुआ है. टेंस तीन प्रकार का होता, जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट का ऑल मैं पढ़ा चुका हूँ. प्रेजेंट का जितना भी स्ट्रक्चर है एंड सेंटेंसेज होता है सब मैं बता चुका हूँ. आज पास्ट टेंस के ऊपर बात करूँगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया, राइट. पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. मैं बता दूँ आपको स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और सिंपल पास्ट का ये मतलब स्ट्रक्चर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस भाव का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. ये बहुत इजी मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, जो आपको याद होगा. तो ये वाला जो इतना सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं सब इजीली बना लीजिएगा. इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई, या, था, थे, थी इत्यादि लगा होता है तो हम समझते हैं कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है और उसी पे बनाना चाहिए. तो आपको मैं सेंटेंस से बताने का प्रयास करता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वह यहाँ आया, वह यहाँ आया, जो आया हो यहाँ, वह यहाँ, वह लड़का आया. तो लड़का अगर वह रहेगा उसके लिए ही का यूज होता है, जो आप जानते हैं, तो लिख दीजिए ही. सब्जेक्ट लिख हो गया, सब्जेक्ट का काम खत्म. अब नेक्स्ट है भव का सेकेंड फॉर्म आया, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, टू कम्स, राइट. जैसे कहने का मतलब मैं ये कहा कि कम मतलब आना, केम मतलब आया, तो फिर कम मतलब आ चुका, कमिंग मतलब आ रहा है और कम्स मतलब आता है, राइट. तो सेकेंड फॉर्म लगाना है तो केम होगा, सी ए एम ई. अब है ऑब्जेक्ट, तो वह आया कहाँ, यहाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ आया, तो यहाँ का हेयर, एच ई आर ई, हेयर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना, राइट. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग कल वहाँ गए. वे लोग का जानते हैं टी एच ई वाई, दे. और जाना, तो अगर कहीं आपको जाना हो तो यहाँ पे तो पास्ट है, जाना का होता है वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो. मतलब आपको मैं बता दूँ यह सेंटेंस क्या बना, कि दे सब्जेक्ट यहाँ पे वे लोग हो गया और गए, तो जाना का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया. और उसके बाद कहाँ गए, तो वहाँ, देयर, और कल, यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे होता है और आने वाला कल के लिए टुमारो होता है, वो आप लोग को मालूम है, हम जानते हैं. नेक्स्ट है सीता यहाँ नाची, सीता यहाँ नाची, यही इसका माना, सीता यहाँ नाची, सीता डांस्ड हेयर. इस सेंटेंस से एक मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ. एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए, यह सेंटेंस आपको दिखता होगा, लिखा हुआ है सीता हैज डांस्ड हेयर, सीता यहाँ नाच चुकी है. अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डांस्ड और यहाँ भी लिखा हुआ है डांस्ड, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन लिखाया हुआ है सेम. और ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, सीता हैज डांस हेयर, मतलब सीता यहाँ नाच चुकी है. तो मैं आपको अगर कहूँ कि किस सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है और किस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बता पाएंगे और कुछ ना भी. तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना कि किस सेंटेंस में मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है और किस मतलब सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसको मैं बताता हूँ. आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ डांस लिखा हुआ है, यहाँ भी डांस, दोनों सेम, राइट. लेकिन ये है थर्ड फॉर्म और ये है सेकेंड फॉर्म. तो कैसे कहा जाएगा कि ये थर्ड है और ये सेकेंड है, एक बात याद रखिए हमेशा मैं बोल रहा हूँ अभी, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डन,
हैज हैव बी बिंग बीन राइट। अब मॉडल से हेल्पिंग वर्ब होता है कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट नीड टू डर टू और आउट टू राइट। मतलब पूरे हेल्पिंग वर्ब 27 होते हैं तो आपको मालूम चलना चाहिए। बताइए किस हेल्प मतलब किस मेन वर्ब मतलब ये बताइए इसमें डांस लिखा हुआ है और डांस लिखा हुआ है। इस डांस के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये हुआ सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे देखिए ये जो है इसके पहले हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है तो ये हुआ मतलब थर्ड फॉर्म। और ये हुआ सेकंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, याद रखिए। एंड और थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आप जान गए होइएगा, किसी सेंटेंस में आपके लिए इजी हो जाएगा मतलब सेकंड फॉर्म खोजना और थर्ड फॉर्म खोजना। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। इसको मैं बनाता हूँ, ये बन गया मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। बेचना का सेल, सेल्ड तो सोल्ड होगा, तो आई सोल्ड माई कार। हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ वह मेरा मदद किया, वह मेरा मदद किया। तो जो वह मेरा मदद किया वह लड़का है, तो लड़का के लिए जानते हैं ही होता है, यही बना। वह मेरा मदद किया, वह का ही हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। और भाव का ये जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हेल्प आ गया। और मी ऑब्जेक्ट मतलब मेरा, तो यहाँ पे हो गया मी, राइट। अब आपको ये आप जान सकते हैं मतलब सेकंड फॉर्म अगर फाइंड आउट करना पड़े किसी सेंटेंस में तो उसके पहले जस्ट पहले इधर मतलब ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद और उस सेकंड फॉर्म के पहले मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो आपको जानना है कि वह सेकंड फॉर्म है। एक बात और आपको मैं बताता हूँ, इसी सेंटेंस को अगर आपको कहा जाए निगेटिव करने के लिए, एक सेंटेंस करके मैं बताता हूँ निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो आप जान लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका पहचान सेम रहेगा, बस यहाँ पे नहीं लग जाएगा नहीं प्लस था थे थी या ये ई। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ इसका निगेटिव का, राइट। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वह यहाँ आया। अब आपको मालूम होना चाहिए निगेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट, तो पहले वह तो वह का ही होगा, ही के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे डिड लिखना ही है डिड। अब नोट है तो नोट लिखिए। अब हो गया ही डिड नॉट, मतलब यहाँ वह यहाँ नहीं आया, यहाँ पे नहीं लगेगा निगेटिव है तो ही डिड नॉट कम सी ओ एम ई कम हेयर, ऐसे ही बनेगा निगेटिव सेंटेंस, राइट। ये निगेटिव सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट है सीता यहाँ नाच, सीता यहाँ नहीं नाची। निगेटिव अगर बनाना होगा तो यहाँ के बाद नहीं लगेगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख दिया, सीता डिड नॉट डांस हेयर। इसमें सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, तो आई डिड नॉट, मैंने अपनी गाड़ी नहीं बेची निगेटिव। आई डिड नॉट सेल माई कार। नेक्स्ट सेंटेंस वह मेरा मदद नहीं किया ही डिड नॉट हेल्प मी। अब एक इसका और सेंटेंस मतलब स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट S for subject और used to verb का first form plus other word। ये भी एक past का rule होता है, इसको आपको जानना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। लिखा हुआ subject plus used to plus verb का first form plus other word, इसका identification होता है। past के habit अगर आपको बताना हो तो आपको इसी sentence इसी structure का use करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह में टहला करता था, इस sentence से clear होता है कि मैं अपना आदत बता रहा हूँ पास्ट का, राइट। तो वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। पहले तो मैं सेंटेंस लिख दूँ,
लिखा गया मैं सुबह में टहला करता था, तो मैं का इजली आई, आई लिखा गया यहाँ पे, आई है प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ यूज टू आएगा ही, आई यूज टू और भाव का सेकेंड फॉर्म है मैं सुबह में टहला करता था, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग सुबह में, ये बना इसका। आज को क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।